अरबी की भुजिया वैसे तो कई तरीके से बनाई जाती है, लेकिन एक बार मेरे तरीके से बनाकर देखिए। दो की जगह चार रोटियां खाएंगे। जिसको कुछ भी बनाना नहीं आता है, वो भी ये भुजिया बहुत आसानी से बनाकर तैयार कर लेगा और खाने का मजा डबल क्या ट्रिपल हो जाएगा। तो चलिए फटाफट ये मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो अरवी की भुजिया बनाने के लिए कढ़ाई में 2 से 2.5 टेबल स्पून सरसों का तेल डालेंगे, और जब तेल गर्म हो जाएगा तो 6 से 7 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई। अरवी के सब्जी में लहसुन का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा ही डालेंगे। और 2 से 3 सूखी हुई लाल मिर्च छोटे टुकड़ों में कटी हुई। तो हल्का सा देखिए इस पर कलर आ चुका है। अब इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच अजवाइन। अजवाइन अरवी की सब्जी में बहुत जरूरी होती है, इससे स्वाद भी बढ़ता है और ये डाइजेस्टिव भी होती है। तो 1 छोटा चम्मच डाल देंगे और साथ में 1 से 2 चुटकी हींग डाल देंगे। अजवाइन और हींग लास्ट में डालेंगे, क्योंकि लहसुन और मिर्चे के साथ में ही डाल देंगे तो जलने का डर है। तो जल्दी से चलाने के बाद अब इसमें अरवी डालेंगे। तो अरवी को मैंने छीलने के बाद धुल लिया है, और धुलने के बाद इस तरह से पतले टुकड़ों में कट कर ली हूँ, लंबे और पतले टुकड़ों में। तो ये डाल देंगे। अच्छे से चलाने के बाद अब इसमें 1 से 1.25 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे और फिर से अच्छे से चला लेंगे। अब इसको इस तरह से इकट्ठा करके ढक कर पकाएंगे। तो लगभग 5 मिनट के लिए पहले लो फ्लेम पर इसको पका लेंगे और फिर थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए अच्छे से गलने तक पकाएंगे। क्योंकि हम भुजिया सब्जी बना रहे हैं तो इसके लिए फ्लेम एकदम लो रखेंगे, जिससे सब्जी अच्छे से गल जाए। तो इसको पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुका है और ये बहुत अच्छे से गल भी चुकी है। ये देखिए अरवी बहुत अच्छे से गल गई है, ये देखिए। तो बस अब इसको हमें गलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गल तो चुकी ही है। अब क्या करेंगे, इस तरह से फैला देंगे और अब इसको ढकने की भी ज़रूरत नहीं है। अब बस इसको हमें क्रिस्प करना है, कुरकुरी करना है। तो कुछ लोग थोड़ा सॉफ्ट ही पसंद करते हैं और कुछ लोग थोड़ा कुरकुरी, तो आप अपने हिसाब से इसको कर लीजिएगा। तो इस तरह से फैला देंगे और फ्लेम मीडियम कर देंगे, जिससे अच्छे से कुरकुरी हो जाए। तो आपको पसंद है तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं, इससे कलर बढ़िया आएगा। तो ये अरवी की भुजिया देखिए बहुत अच्छे से कुरकुरी हो चुकी है। इसको आप अपनी पसंद अनुसार कम या ज़्यादा कुरकुरी कर सकते हैं। और भुजिया सब्जी में कुछ लोग धनिया पत्ती भी डालना पसंद करते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। तो आपको भी अगर पसंद है तो आप डाल सकते हैं। तो ये हमारी अरवी की भुजिया बहुत बढ़िया बनकर तैयार हुई है। इसको आप गर्मा गर्म दाल चावल के साथ खाएंगे तो मज़ा और डबल हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये अरवी की भुजिया सब्जी बनाने की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा,